हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यू ऑल आर वेलकम टू सत्यम शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लास। मुकेश कुमार, योर इंग्लिश टीचर एज यू नो। एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ग्रेड सिक्स एंड सब्जेक्ट इज ऑफ इंग्लिश। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश लिटरेचर एंड चैप्टर 12 टाइटल इज ईदगाह, रिटन बाय प्रेमचंद और मुंशी प्रेमचंद। In my first and second, I have taught in two videos, and rest remaining part of this story I am going to teach now. Okay, so let's start. In my first videos, I have taught the discussions about Hamid and Mohsin, and just after I am going to start the next part. At the ईदगाह, द पीपल सेट डाउन इन रोज टू ऑफर देयर नमाज। वॉट आई टोल्ड व्हेन द चिल्ड्रेन रिस्ट एट ईदगाह, यानी जब बाकी सब बच्चे और भी जब ईदगाह पर पहुँचे, देखे वहाँ पर, तो जाकर क्या देखते हैं कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब रोज कतार में नमाज के लिए अपनी वो तैयारियाँ कर रहे हैं। नमाज बहुत ही एक सेक्रेट प्रेयर होता है जो हमारे मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो अल्लाह को अपना जो प्रेयर है, जो विशेज है, उनसे मांगते हैं, और दुआ जो भी है वो अपना मांगते हैं, उनसे दुआ करते हैं। तो ईद का दिन है, और जब ईदगाह पर ये बच्चे गए हैं तो देख रहे हैं कि बाकी बहुत सारे लोग भी वहाँ पर उपस्थित हैं, जो कतार में लाइन से यानी क्यू में कतार में एकदम उपस्थित है, वहाँ पर नमाज कर रहे हैं। The newcomers took their place at the back, all of them being equal. There was no discrimination on the grounds of rank and riches. देखिए वहाँ पर जब नमाज के लिए ईदगाह पर सब लोग जब पहुँचे हैं, तो newcomers यानी जो बाद में जो नए नए लोग आ रहे हैं पीछे से, जो नमाज हो रहा है तो फर्स्ट जो रो लगा हुआ है, उसके बाद जो पीछे से जाएंगे तो पीछे से ही ना रो लगेगा। और वहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन मीन्स मतलब भेदभाव, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है लोगों में, एक दूसरे से मिल रहे हैं। और यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसका कौन सा रैंक है। जो ये प्रेयर का जो प्लेस है, जो ईदगाह है, यहाँ पर सब लोग एक समान है, क्या कर रहे हैं, नमाज के लिए वहाँ पर एकत्रित है। दिस विलेजर्स स्टूड बिहाइंड टू ऑफर देयर प्रेयर्स, थाउजेंड्स ऑफ हेड्स वेंट डाउन एंड केम ऑफ टुगेदर। और ये जो लोग हैं, कौन लोग जो वहाँ पर नमाज के लिए पहुँचे हुए हैं, वो क्या है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ हजारों हजारों की संख्या में हेड्स। नमाज जब होता है तो नमाज का प्रोसेस आप लोगों को मालूम होगा कैसे नमाज किया जाता है। सिर हेड्स अप एंड डाउन यानी कि पोजिशन होता है नमाज का, ऊपर सिर किया जाता है फिर नीचे। तो वही यहाँ पर वर्णन किया गया है कि लोग अपना जो है हजारों हजारों की संख्या में सिर ऊपर हो रहा है फिर नीचे हो रहा है, यानी कि जैसे नमाज किया जाता है। दे बॉड्स टुगेदर एंड देन सेट डाउन ऑन नीज। नीज यानी घुटने के बल पर, यानी नमाज में क्या बोला कि नमाज का जो प्रोसेस होता है, और इधर देख रहे हैं फिर घुटने के बल पर होकर और मतलब नमाज कर रहे हैं लोग वहाँ पर जो उपस्थित हैं। इट अपीयर्ड एज इफ मिलियंस ऑफ बल्ब कम्स एंड ऑफ, ऐसा फील हो रहा है यानी उस प्रोसेस को देखकर। कौन सा प्रोसेस, जो नमाज का पोजीशन है, जो नमाज चल रहा है, और जब सिर ऊपर फिर नीचे फिर जो प्रोसेस होता है उसको देखकर ऐसा लगता है कि हजारों की संख्या में बल्ब जल रहे हैं और बुझ रहे हैं, ठीक है, लाइट ऑफ ऑन हो रहा है, यानी जो सीनरीज है देखने में ही बहुत ही यूनिक और क्या है, बहुत अच्छी लगती है, मतलब अच्छी वहाँ पर दिखाई दे रही है। इट वॉज ए यूनिक सीनरी, वॉट सीनरी मीन्स क्या होता है, जो दृश्य होता है, सीनरी विच फिल द पार्टिसिपेंट्स विद डिवोशन प्राइड एंड ब्लिस एज इफ दे ऑल वर ज्वाइन विद ए कॉमन ट्रेट ऑफ फ्रेटर्निटी। यानी जो लोगों का विश्वास है, जो जैसे जो प्रार्थक जो प्रेयर कर रहे हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, आपसी सद्भावना है, और फ्रेटर्निटी यानी कॉमरेडशिप यानी कि आपसी जो भाईचारा है, लग नहीं रहा है कि हम सभी जो भी लोग वहाँ उपस्थित हैं अलग अलग लोग हैं,
सब लग रहा है कि एक एकदम भाई के समान है, एक मित्र के समान है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, सारे लोग एक समान नमाज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर द नमाज द पीपल एम्ब्रेस्ड वन अनदर। नमाज के बाद अब लोगों, जब भी नमाज हो जाता है तो ईद का दिन है, एक दूसरे की तरफ लोग देख रहे हैं अपना जो भी चीज़ें हैं। एंड देन हिज ग्रुप स्टार्टेड फॉर द शॉप्स एंड स्टॉल सेलिंग स्वीट्स एंड टॉयज। जब नमाज हो जाता है ईद के दिन, क्या होता है देखिए, ईद कितना सेक्रेट एक फेस्टिवल होता है। आफ्टर 30 रोज़ा यानी 30 दिन रोज़ा रहने के बाद ईद होता है, तो ईद के दिन जब सारे लोग नमाज जब अदा अपना कर लेते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं, शॉप वगैरह दुकानों पर ख़रीदारी के लिए, मिठाइयों की दुकानें हैं, बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं अपना ख़रीदारी करने के लिए। एंड माई डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ बेटर टू रीड इट वंस और ट्वाइस। आप लोग एक बार दो बार इस कहानी को अच्छा से स्टडी कीजिएगा, पढ़िएगा। चलते हैं नेक्स्ट। इट अपियर्स एज इफ मिलियंस ऑफ सॉरी आफ्टर द नमाज द पीपल एम्ब्रेस्ड वन अनदर एंड देन दिस ग्रुप स्टार्टेड फॉर द शॉप्स एंड स्टॉल सेलिंग स्वीट्स एंड टॉयज। मैंने बताया भी कि लोग अपना ख़रीदारी के लिए जो ये स्टॉल है, स्वीट्स की जो दुकानें हैं या और भी जो सामानें बेची जा रही हैं वस्तुएं, उधर जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए। देयर वर राइड्स द फर्स्ट टू कम वॉज द स्विंग इन वन गो यू टू हाई अप टू द स्काई एंड देन फॉल टू द ग्राउंड। अब देखिए सबसे आश्चर्य का वहाँ पर केंद्र क्या है, जो स्विंग्स जो झूले होते हैं मेले में अक्सर हम लोग जाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जब देखते हैं तो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र वही रहता है जो झूला होता है। तो सबसे फर्स्ट दृश्य क्या आता है, झूला है, स्विंग जो है ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, या आप बोल सकते हैं कि नीचे से भी ऊपर जाता है, प्रोसेशन में चलता रहता है। तो झूला जो है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर बोल सकते हैं आप, जैसे झूला का जो प्रोसेस होता है। हम लोग भी जब छोटे छोटे बच्चे थे तो झूले बहुत अच्छा लगता था, झूला हम लोग भी झूले में बैठते थे। तो वहीं यहाँ पर है कि झूला एक प्रोसेशन में चल रहा है, सबसे पहले दिखाई देता है कि वहाँ पर झूला है। एंड देयर वॉज द मेरी गो राउंड विथ वुडन एलिफेंट्स। और सब मेरी मीन्स क्या होता है, खुशी, और भी एक खुशी का मतलब वहाँ पर केंद्र था, वुडन लकड़ी का जो हाथी मेले में था, लकड़ी का हाथी। हॉर्सेज घोड़े अक्सर होता है ना जब जाते हैं दुकानों पर, तो छोटे छोटे लकड़ी के हाथी घोड़े और भी खिलौने बेचे जाते हैं, तो ये सब आश्चर्य के वहाँ पर मतलब केंद्र थे। एंड कैमल्स ऊँट भी खिलौने के रूप में वहाँ बेचे जा रहे हैं। ईच राइड कॉस्ट 1 पैसे फॉर 25 राउंड्स। और सबका कॉस्ट कितना था, 1 पैसे फॉर 25 राउंड्स। यानी कि तरह तरह के आप मेले में जाते हैं तो लकड़ी का भी घोड़ा होता है ना, वो छोटे छोटे होता है जैसे रोड जैसा होता है, उसमें बैठकर बच्चे घूमते हैं, और भी है झूला है, हाथी वाला है, तरह तरह के वहाँ पर झूले लगे हुए हैं। आप 25 राउंड्स बोर्ड के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे झूला तो नहीं बना रहे हैं लेकिन मान लीजिए कि ऐसा 25 राउंड्स यानी आप झूला में बैठ गए हैं, इधर से जाते हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंट हो गया, यहाँ से राउंड्स जो झूला वाले होते हैं काउंट करते हैं, उन लोगों को पता होगा, यहाँ से बैठे फिर एक बार यहाँ से आएगा तो 1 राउंड हो गया, फिर 2 राउंड्स हो गया, फिर 3 राउंड्स हो गया, फिर ऐसे ही 1 पैसा अगर आप देते हैं तो 25 राउंड्स यानी 25 बार आप झूला पर घूम सकते हैं। यही इसमें मतलब इसमें लिखा है राइटर्स ने, बहुत ही मतलब चीप है, सस्ता है। अभी तो बहुत झूले बहुत महंगे हैं लेकिन देखिए यहाँ पर 1 पैसा में आप 25 बार आराम से घूम सकते हैं। महमूद मोहसिन्स नूरे एंड शमी इन्जॉय दिस राइड्स। और चारों जो फ्रेंड हैं, इनका मैंने नाम अभी लिया, नेम्स लिया, ये सब उसमें घूमते हैं, इन्जॉय करते हैं। बट हामिद स्टूड अपार्ट, लेकिन हामिद जो है वो थोड़ा सा दूर है, देख रहा है इन लोगों को, क्यों, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था वो गरीब है बेचारा, उतना पैसा उसके पास नहीं है। तो वही आगे कहानी पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। ही हैड ओनली थ्री पैसे ही लेकर गया था। क्या मैंने बताया था ना कि 8 पैसे थे तो मम्मी ने 3 पैसे इनको दिए थे और 5 पैसे ईद के लिए रखा था, तो 3 पैसा लेकर गया था। ही कुड नॉट स्पेंड 1/3 ऑफ हिज मनी फॉर दिस सिली थिंग्स। और 1/3 एक तिहाई हिस्सा भी इस सब चीज़ों में खर्च करना वो नहीं चाहता था। इसका मतलब कंप्लीट है। नाउ द चिल्ड्रेन कम टू द टॉय शॉप्स, देयर वर ऑल टाइप्स ऑफ टॉयज,
constables, kings, advocates, watermen, washermen and hermits, how beautiful they looked at if they were about to speak and move. यानी जितने भी मैंने जो मैंने नेम लिया भी इस सब अलग अलग जो नेम के वहाँ पर मतलब क्या बोल सकते हैं क्लोन बोल सकते हैं एक तरह के खिलौने वहाँ पर बेचे जा रहे थे, कोई कांस्टेबल के रूप में है तो कोई एडवोकेट, कोई वाटरमैन, वाशरमैन, और कैसा होता अगर ये ऐसा हम लोग जाते थे तो कठपुतली एक होता है कठपुतली, तो वैसे ही एक तरह का यहाँ पर मूर्ति या स्टेचू जो भी कहें उनके क्लोन के रूप में यहाँ बेचा जा रहा है मेले में। तो उसको बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये बोलते तो कैसा रहता। महमूद बॉट ए टॉय कॉन्स्टेबल, खाकी यूनिफॉर्म, रेड अर्बन एंड ए गन ऑन शोल्डर्स। महमूद एक क्या ख़रीदा, उन खिलौनों में से एक कॉन्स्टेबल ख़रीदा, जो खाकी यूनिफॉर्म जो सिपाही होते हैं उनका यूनिफॉर्म जो पोशाक पहनावा होता है जो ड्रेस खाकी है होता है, तो खाकी यूनिफॉर्म था, रेड टर्बन, टर्बन मीन्स जो पगड़ी टाइप का होता है रेड, अ गन ऑन शोल्डर्स, और कंधे पर एक क्या लिया हुआ है गन, तो खरीद लिया। किसने खरीदा, महमूद ने। इट अपीयर्ड एज इफ इट हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम द परेड, और देखिए ऐसा लग रहा था वो जो खिलौना खरीदा था कॉन्स्टेबल वाला, मालूम चलता था कि अभी अभी ये जो परेड होता है उसमें से लौट कर आया है। मोहसिन लाइक द बॉय, सॉरी मोहसिन लाइक द बॉय वाटरमैन विद द वाटर बैग ऑन द बेंट बैग, और वाटरमैन एक ऐसा मूर्ति बनाया गया था कि एक सपोज दैट एक मूर्ति है उसमें हाथ में एक बकेट और उसमें वाटर, तो उसको अच्छा लगता था वाटरमैन। इट अपीयर टू सिंग ए सॉन्ग, ऐसा लग रहा था कि वो मतलब ये गीत गाना चाहता है। कभी कभी होता है ना स्टेचू मूर्ति, बहुत सारे हम लोग देवी देवताओं को भी मूर्ति का पूजा करते हैं देखते हैं ना, मूर्ति से लगता ही नहीं है कि मतलब ये ओरिजिनल से थोड़ा सा भी कम नहीं लगता है, वैसे ही एक इमेजिनेशन यहाँ पर एक खिलौने जो है इनके साथ नेटर ने यहाँ पर दर्शाया है कि लगता था कि मतलब बोल देंगे वाटरमैन, ऐसा लगता था कि वो गीत गाने वाला है, सिपाही को देखकर ऐसा लगता था कि अभी परेड में मतलब परेड से लौट कर आया है। नूरे लाइक द टॉय एडवोकेट, और नूरे जो था वो टॉय एडवोकेट जो वकील होते हैं ब्लैक उनों का जो यूनिफॉर्म होता है ब्लैक यूनिफॉर्म कोट पहने हुए, वाइट पैंट्स, वाइट पैंट्स, गोल्डन चेन्स एंड ए लॉ बुक इन द हैंड्स। लॉ बुक तो एडवोकेट है तो लॉ मीन्स जो कानून से संबंधित किताबें उनके हाथ में पकड़ाया गया होगा जो खिलौना है, और वाइट पैंट है और ब्लैक कोट होता है। इट अपीयर्ड एज इफ इट हैड रिटर्न फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ लॉ, ऐसा लग रहा था कि जो वकील एडवोकेट जो टॉय है खिलौना, खिलौना वकील साहब बोल सकते हैं, और लग रहा था कि ऐसे अभी जस्ट कोर्ट से रिटर्न होकर आए हैं। ऑल दिस बॉयज टॉयज कॉस्ट 2 पैसे ईच, और जो भी खिलौने थे उसका कीमत कितना था, ओनली 2 पैसे। हामिद हैड जस्ट 3 पैसे, हामिद के पास कितने थे, 3 पैसे थे। हाउ कुड ही बाय सो कॉस्टली टॉयज, अब इतने महंगे खिलौने थे वो कैसे खरीद सकता था, 3 पैसा तो लेकर हो गया ही था और 2 पैसा कीमत था खिलौनों का। ही थॉट If I happen to drop these, they would smash to pieces and a little water would discolor them. What use are they? ऐसा सोच रहा है कि मान लीजिए खिलौने तो खिलौने होते हैं, कहीं वो हाथ से छूट गए, टूट गए, मान लीजिए जो वाटरमैन है अब पानी लिया है अब टूट जाएगा गिर जाएगा उसका क्या यूज होगा, सोच बहुत अच्छा है इसका। देखिए मोशन My waterman would draw water from the well every day, morning and evening. मोहसिन देखिए बच्चा है तो क्या कर रहा है कि मेरा जो waterman है जो खिलौना खरीदा था वो सुबह शाम क्या करता है, पानी खींचता है, पानी लेकर आता है। महमूद My constable would keep watch, अभी क्या बोलता है महमूद जो है, मेरा जो constable है जो खिलौना खरीदा था वो watch means क्या होता है, निगरानी करना, watch करता है। नूरे My advocate would fight cases, अब छोटे छोटे बच्चे हैं अक्सर सारे बच्चे जो हैं अब छोटे छोटे होते हैं तो अलग अलग गेम खेलते हैं, वैसे ही खिलौने खरीद कर लाए हैं, कोई बोल रहा है कि मेरा वाटरमैन है पानी लेकर आता है, महमूद है बोलता है मेरा जो कॉन्स्टेबल है वो वॉच करता है देखता है कोई चोर तो नहीं जा रहा है या जो भी है, और नूरे क्या बोलता है कि मेरा जो एडवोकेट है वो केस लड़ता है कोर्ट में जाता है।
शमी एंड माई वाशर मैन वुड वॉश क्लॉथ एवरी डे, और ये वाशर मैन जो खिलौना है वो खरीदा था शमी, और ये क्या बोलता है कि मेरा जो खिलौना है वो प्रतिदिन कपड़े वॉश करता है। ये जो चारों बच्चे हैं आपस में क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। हामिद क्रिटिसाइज द टॉयज बट इन हीज हियर सॉरी इन हीज हार्ट ही वॉन्टेड टू टोल देम, बट द अदर बॉयज वर सो ग्रीडी दे वु डोंट अलाउ हिम टू टच देम इवन। देखिए बेचारा, वो पैसे उसके पास कम थे, खरीदना भी नहीं चाहता था, खरीदना भी चाहता होगा तो पैसे कम थे, कीमत ज़्यादा था, इसलिए जो अब उसका जो डिजायर था दिल में ही रह जाता था। बाकी जो बच्चे थे छूना चाहता था, उसको देखना चाहता था कि थोड़ा सा टच कर लें देख लें, लेकिन वो उसको छूने नहीं देना चाहते थे। होता है ना बच्चों में अक्सर, कोई खिलौना लेकर आता है, कोई जाता है, बच्चा बोलता है बोला नहीं अपना मेरा खिलौना है नहीं देंगे, वैसे ही बच्चों का आपस में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो स्टोरी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, और होमवर्क के रूप में आप वर्ड मीनिंग जो भी इसमें से जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उसको कीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा उसको ग्रुप में शेयर कीजिए। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।